गाइस, हर्षित मेहता एक स्कैमर ही नहीं, वो एक मर्डरर भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। हर्षित मेहता ने बस एक स्कैम नहीं किया है, उन्होंने बहुत लोगों की हत्या भी की है। जी हाँ, मैं आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरह से हर्षित मेहता की जर्नी शुरू हुई, किस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत की और किस तरह से वो इतने बड़े स्कैम किया उन्होंने। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज, आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ पता चलेगा आपको, बहुत सारे इनसाइट्स पता चलेंगे हर्षित मेहता की लाइफ के, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने ग्रो किया और क्या क्या उनके इनसाइट्स थे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हर्षित शांतिलाल मेहता का जन्म हुआ था राजकोट में, 29 जुलाई 1954 में उनका जन्म हुआ था। और हर्षित शांतिलाल मेहता के फादर एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। उसके बाद उनकी फैमिली ने सोचा, उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी और उनकी फैमिली रायपुर शिफ्ट हो गई थी। और हर्षित शांतिलाल मेहता का मैक्सिमम जो उनका बचपन था वो रायपुर में बीता, और रायपुर में उन्होंने बहुत कुछ किया, अपने बचपन में बहुत इंजॉय भी किया। और उनके फादर भी एक बिजनेसमैन थे, तो वो कहते हैं उनके रगों रगों में बिजनेस था, उनके खून खून में बिजनेस था। उसके बाद गाइज, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे एंड उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी जनता पब्लिक स्कूल से, जो रायपुर में सिचुएटेड है। उसके बाद रायपुर से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, बट उनका ना पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, उनको पढ़ाई में कुछ खास मज़ा नहीं आता था, वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ काम भी किया जाए, क्यों ना कोई बिजनेस किया जाए या कुछ काम किया जाए जिससे थोड़े पैसे भी मैं कमा पाऊँ। तो उन्होंने सोचा कि चलो मुंबई चलते हैं, बिकॉज मुंबई तो सपनों का शहर होता है, हर कोई जाना चाहता है मुंबई। तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो मुंबई चलते हैं। उसके बाद हर्षित जी मुंबई पहुंच गए और मुंबई में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की और उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे जॉब्स भी किए थे। लाइक उन्होंने सेल्समैन का भी काम किया, उन्होंने कपड़ों से लेके डायमंड्स तक सब कुछ बेचा है। उन्होंने सेल्समैन के जॉब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। और उसके बाद 1976 में उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया था लाला लाजपत राय कॉलेज से। लाला लाजपत राय कॉलेज एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया और साथ साथ में वो अपने काम भी कर रहे थे, साथ साथ में वो बहुत सारे सेल्स के काम कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हीरे चुनने का काम भी वो करते थे। तो गाइज, हर्षित मेहता की लाइफ का जो और करियर का जो असली शुरुआत हुई थी वो हुई थी जब उन्होंने ज्वाइन किया था न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। जब उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया उसके बाद से उनका जो दिलचस्पी थी स्टॉक मार्केट के तरफ और शेयर मार्केट के तरफ बढ़ती गई। उन्होंने उनको मन करने लगा कि ये यार ये होता क्या है, ये किस तरह से होता है, और उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया शेयर मार्केट के तरफ। उसके बाद उनकी असली एंट्री हुई थी सट्टा बाजार में, जिसको लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं, शेयर मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एंट्री की और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। तो उसके बाद उन्होंने, वो तो कहते ही है ना, रिक्स है तो इश्क है, वो हमेशा कहते हैं रिश्क है तो इश्क है। अभी अपने पास खर्च करने को सिर्फ टाइम ही तो है, नहीं तो सही टाइम का वेट करने में ना कुछ खर्च हो जाए। रिस्क है तो इश्क है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता, बहुत गहरा जाना चाहता। इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई और जॉब ज्वाइन किया जाए जहाँ पर मैं इसकी और डीप नॉलेज ले पाऊँ, बिकॉज उनका जो दिमाग था वो एक बिजनेसमैन वाला दिमाग था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई और जगह में मैं जॉब करूँ जहाँ पर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में और कुछ जानने को मिले। तो उसके बाद उन्होंने ये जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है इसको उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लीव कर दिया एंड उसके बाद उन्होंने एक ब्रोकर के साथ एक ब्रोकर का जॉब उन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ पर उनको स्टॉक मार्केट के बारे में और बहुत कुछ सीखने को मिला और डीप में नॉलेज मिली, बहुत कुछ उनको जानने को मिला। और वो कहते हैं ना, वो हमेशा यही कहते हैं कि रिस्क लो अपनी लाइफ में। तो इस वजह से उन्होंने रिस्क लेके उस कंपनी को छोड़ दिया और ब्रोकर का काम शुरू किया। तो उसके बाद वो उसमें भी बहुत अच्छे से काम करने लगे, बहुत कुछ उनको सीखने को मिला, बहुत तेज़ी से वो स्टॉक मार्केट के अंदर घुसते जा रहे थे, डीप नॉलेज लेते जा रहे थे। और जो उन्होंने ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन किया था वो भी बहुत अच्छा चलने लगा उनके ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद 1980 में उन्होंने अपना जॉबर का काम स्टार्ट किया। गाइज, आप लोगों को पता होगा जॉबर क्या होता है। जॉबर गाइज, आप लोगों ने अगर हर्षित मेहता की वो मूवी देखी है स्कैम 1992, तो आपको गाइज 100% पता होगा। गाइज, हर्षित मेहता के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी रिलीज़ हुई हैं, जैसे कि स्कैम 1992, अभी और एक मूवी रिलीज़ हो रही है बिग बुल के नाम से। तो गाइज, अभी हर्षित मेहता इतने ट्रेंड में क्यों है,
क्या उसके पीछे का रीज़न है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और गाइस फिर वो जैसे वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का उन्होंने डीप नॉलेज लेने लगे, स्टॉक मार्केट के बारे में डीप नॉलेज लेने लगे, उसके बाद उनकी ग्रोथ मतलब नेक्स्ट लेवल ग्रोथ होने लगी। 10 साल के अंदर अंदर वो पूरे मार्केट में छा गए थे। 10 साल के अंदर अंदर लोग उन्हें यार मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते थे। अमिताभ बच्चन के नाम से वो फेमस थे कि हर्षित मेहता स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन, इस नाम से वो फेमस हो गए थे। लोग कहते थे कि वो जिस स्टॉक में अपना हाथ रख देते हैं ना वो स्टॉक आसमान छू जाता है, जिस स्टॉक में वो छू देते हैं वो स्टॉक सोना बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें लोग कहने लगे और उनका ब्रांड बहुत तेज़ी से फैलने लगा, मतलब स्टॉक मार्केट मतलब हर्षित मेहता, इस तरह से उनका ब्रांड बिल्ड होने के बाद 1980 से 1990 के बीच का जो 10 साल है उसमें तो वो छा गए थे पूरे मार्केट में। उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना बहुत नाम कमाया उन्होंने इस इंडस्ट्री में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब यार अपना कुछ स्टार्ट करते हैं, अपनी कंपनी शुरू करते हैं। उसके बाद उन्होंने शुरू किया था ग्रो मोर एसेट्स एंड मैनेजमेंट कंपनी। ग्रो मोर कंपनी उन्होंने जब स्टार्ट की उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि लोगों को मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे लोग हर्षित मेहता के ऊपर, क्योंकि हर्षित मेहता जिस स्टॉक को टच करते हैं वो सोना बन जाता है। जैसे कि एसीसी का हम स्टॉक ले लेते हैं, एसीसी का स्टॉक जो है वो मतलब इतनी तेज़ी से ग्रो किया है, 3 महीने के अंदर अंदर 200 रुपये का जो स्टॉक था 200 रुपीस का वो पहुंच गया था 9,000 रुपीस ओनली 3 मंथ्स के अंदर अंडर। गाइस 4,400% रिटर्न दिया था उसने, 4,000% यार बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, बहुत बड़ी चीज़ होती है ओनली 3 मंथ्स के अंदर अंदर। उसके बाद तो होना क्या था, वो ऑलरेडी मार्केट में छाए हुए थे, अब वो मीडिया में भी छाने लगे, मीडिया में उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखने लगे, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स रिलीज़ होने लगे हर्षित मेहता के ऊपर, मीडिया में बहुत तेज़ी से हर्षित मेहता आने लगे। एक तरह से वो एक सेलिब्रिटी बन गए थे, उनका रहन सहन और सारी चीज़ें एक सेलिब्रिटी की तरह हो चुकी थी। उनके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे, उनको लोग बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। बिकॉज वो जो देखिए मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बुल एक होते हैं बेयर्स। बुल जो होते हैं ना वो स्टॉक को ऐसे आसमान तक पहुंचा देते हैं और जो बेयर्स होते हैं वो स्टॉक्स को नीचे गिरा देते हैं। तो यार बुल और बेयर क्या होता है आपको, अगर आपने हर्षित मेहता मूवी देखी है तो आपको पता होगा। बुल जो होता है वो अपने सींगों से यार ऐसे करके ऐसे मारता है तो वो स्टॉक ऊपर चढ़ जाता है, और बियर क्या होता है, बियर अपने पंजों से ऐसे नीचे की तरफ मारता है तो इसलिए उसको बियर बोलते हैं, स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो गाइस इस तरह से उनका मतलब मीडिया में छाने लगे। बिजनेस टुडे नाम से एक बहुत बड़ा एक बहुत पॉपुलर मैगज़ीन है, उस मैगज़ीन में उनका फ्रंट पेज में हर्षित मेहता का आर्टिकल छपा था, वो भी फ्रंट पेज में हर्षित मेहता के नाम से उनका आर्टिकल छपा था। तो गाइस मतलब बहुत तेज़ी से फेमस होने लगे थे हर्षित मेहता। और गाइस अब मैं आपको हर्षित मेहता के लाइफस्टाइल के बारे में क्या ही बताऊं यार, क्या आलीशान उनकी लाइफस्टाइल थी। उन्होंने 15,000 स्क्वायर फिट का उन्होंने एक सी फेसिंग पेंट हाउस परचेज किया और उसमें स्विमिंग पूल भी था। बहुत ज़्यादा लग्जरी उनकी लाइफ हो रही थी, बहुत लग्जरी लाइफ उन्होंने जी है। एंड उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मतलब टॉप लेवल वाली कार्स उन्होंने वहाँ पर ली थी, 10 से ज़्यादा उनके पास कार्स थी, 10 से ज़्यादा कार्स। और जो उस समय की टॉप कार्स थी ना जैसे कि लेक्सस, टोयोटा, जो उस समय की बहुत ज़्यादा बेस्ट कार थी वो उन्होंने परचेज़ की थी, और मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल उनकी हो गई थी। उसके बाद आपको पता ही होगा अगर कोई इंसान एकदम नीचे से जब आसमान छूने लगता है तो यार सबको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बिकॉज़ यार उन्होंने ओनली 40 रुपये लेके वो मुंबई आए थे और 40 रुपये को उन्होंने 4,000 करोड़ बना दिया था। तो यार कोई ये छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। तो उसके बाद सब लोग देखने लगे कि यार ये कुछ तो गलत कर रहा है, इतने कम समय में इन्होंने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया, इतने कम समय में वो इतने बड़े मतलब इतने एक सेलिब्रिटी बन गए थे ना वो, एक तरह से बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे। तो सब लोग उनके तरफ नज़र रखने लगे। उसके बाद ना कहा जाता है कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने सुचेता दलाल का नाम आप सब लोग को सुना ही होगा, आप सभी लोगों ने सुचेता दलाल को, जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने सुचेता दलाल को बताया कि यार देखो ये कुछ गलत कर रहे हैं, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करो। उसके बाद सुचेता दलाल ने इनके ऊपर इन्वेस्टिंग चालू की, इसके ऊपर पूरे इन्वेस्टिगेशन चालू की, सब चीज़ देखा कि ये किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, क्या इनके लूप होल्स हैं, क्या ये गलतियाँ कर रहे हैं, किस तरह का ये स्कैम कर रहे हैं। अगर सुचेता दलाल इनको नहीं पकड़ती तो गाइज आज तक
हर्षित मेहता को कोई पकड़ ही नहीं पाता, बिकॉज वो इतने आराम से स्कैम कर रहे थे कि किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि कोई स्कैम भी कर रहा है। बहुत फ्लुएंटली, बहुत आराम से स्कैम हो रहा था उनका। तो गाइज, उसके बाद सुचेता दलाल जो एक रिपोर्टर थी, उन्होंने फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू की, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, एंड उसके बाद सुचेता दलाल को पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो उसके बाद सुचेता दलाल ने हर्षित मेहता को अरेस्ट करवाया, सुचेता दलाल ने हर्षित मेहता को एक्सपोज किया। उसके बाद 23 अप्रैल 1992 में सुचेता दलाल ने हर्षित मेहता के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉलम लिखा था, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो इतना पॉपुलर मैगज़ीन, वहाँ पर उन्होंने एक कॉलम लिखा था, और जो न्यूज़ बहुत ख़राब तरीके से फैलने लगी, बहुत तेज़ी से फैलने लगी, और हर्षित मेहता का ये जो स्कैम है वो सबके नज़रों में आने लगा। और ये स्कैम खाली हर्षित मेहता का नहीं था, इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, जो RBI की सीनियर मैनेजमेंट टीम, उसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग भी, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि हर्षित मेहता को यहाँ फंसाया जा रहा है, और जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, हर्षित मेहता का नाम लेके हर्षित मेहता को फंसाया जा रहा है यहाँ पर। बट मुझे लगता है कि हर्षित मेहता ने भी एक बहुत बड़ी गलती की है, और हर्षित मेहता भी एक स्कैमर भी है, और वो एक मर्डरर भी है। तो उसके बाद ना गाइज, जब सुचेता दलाल का जो ये कॉलम है ये वायरल होने लगा तेज़ी से, लोगों को पता चलने लगा हर्षित मेहता के बारे में, उसके बाद जो स्टॉक प्राइस है ना वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया था। वो स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से गिरने लगा, बहुत तेज़ी से लोगों को पता चलने लगा कि हर्षित मेहता एक स्कैमर है। तो उसके बाद जो स्टॉक प्राइस था वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगा, और बहुत सारे लोगों ने मतलब सुसाइड किया, बहुत सारे लोग मतलब एकदम ख़त्म हो गया था यार, मार्केट ख़त्म हो गया था। जितने लोगों ने ना हर्षित मेहता की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ग्रो मोर एसेट्स एंड मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनी में जितने लोगों ने अब उस स्टॉक को परचेज किया था ना, उनका स्टॉक से कागज का टुकड़ा बन चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। इतनी तेज़ी से मार्केट गिरने लगा ना, इसके पीछे मतलब लोग सुसाइड करने लगे, लोग डरने लगे, और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था हर्षित मेहता के स्कैम के ऊपर। तो इसलिए गाइज मैं कहता हूँ कि हर्षित मेहता एक स्कैमर भी नहीं, वो एक मर्डरर भी है गाइज। बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, बहुत लोगों ने मतलब वो सुसाइड नहीं, उसको एक तरह से हत्या कहेंगे हम, उसको एक तरह से मर्डर कहेंगे, बिकॉज हर्षित मेहता ने लोगों के एक्सपेक्टेशंस के साथ वो खेले हैं हर्षित मेहता। तो गाइज बहुत कुछ हुआ उस समय, मतलब मार्केट पूरा नीचे गिरने लगा, और बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बहुत नुकसान हुआ। जितने का स्कैम नहीं हुआ ना, उससे ज़्यादा का तो नुकसान हो गया लोगों का, कितने हजार करोड़ का नुकसान हो गया था लोगों का। तो यार बहुत बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था ये, बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था। उसके बाद गाइज आप लोगों को पता नहीं होगा, जो मनमोहन सिंह है उन्होंने भी उस समय रिज़ाइन दे दिया था उन्होंने, बट उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया गया, इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन बाकी भी बहुत कुछ हुआ उस समय, बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन दिया, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, और बहुत हेरा फेरी हो गई थी उस समय। उसके बाद हर्षित मेहता के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे, CBI ने भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, और हर्षित मेहता जो यहाँ से यहाँ पहुँच गए थे वो डायरेक्ट नीचे गिर चुके थे, क्योंकि कुछ नहीं बचा था उनके पास, हर जगह से वो फंस चुके थे, कोई उनका सपोर्टर नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास। उसके बाद हर्षित मेहता के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, और हर्षित मेहता के ऊपर 27 क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, 27 से भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, और वो अरेस्ट हो चुके थे। एंड उनके अरेस्ट होने के बाद फिर उनको बेल भी मिली थी, और बेल से जब वो निकले थे ना, उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है, उन्होंने कहा था कि PV नरसिम्हा राव को उन्होंने 1 करोड़ रुपये दिए थे इस बेल के लिए, 1 करोड़ रुपए दिए थे। तो 1 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई गई थी, मतलब घूस दी थी, तो ये भी कहा जाता है, बट ये कुछ फाइनल नहीं है, बट कहा गया है। तो गाइस उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड हर्षित मेहता के ऊपर बहुत सारे केसेस फाइल हुए, एंड हर्षित मेहता अरेस्ट हो चुके थे। एंड उसके बाद ना गाइस, हर्षित मेहता जब 47 की एज के थे, 47 ईयर्स ओल्ड, उसके बाद हर्षित मेहता को जब वो जेल में थे, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया,
एंड उनकी डेथ हो गई। तो गाइज उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी एंड 2001 में उनकी डेथ हो चुकी थी। तो गाइज ये उनकी स्टोरी थी, उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे एंड मतलब कि उनके अंदर जो लगन था ना कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, वो बहुत अच्छा था। उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और उनसे हमको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे हमें लर्निंग मिल रही है कि हमें ऐसा नहीं करना है अपनी लाइफ में। उनको करना बहुत कुछ था, बहुत कुछ अचीव करना था, लेकिन वो सही तरीके से अचीव नहीं कर पाए। वो पैसे की लालच की वजह से अंदर घुसते गए और गलत काम उन्होंने शुरू कर दिया था। तो गाइज आप लोगों को भी बहुत कुछ बड़ा करना होगा अपनी लाइफ में, आप लोगों को भी बहुत कुछ अचीव करना होगा, लेकिन हमेशा सही चीज़ों से पैसे कमाओ यार, हमेशा सही चीज़ों से पैसे कमाओ, कभी भी ख़राब चीज़ मत करो। अगर आप लोगों को भी ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो यार हमने एक कंपनी स्टार्ट की है, एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को आई बटन में देख सकते हो। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूँगा, उसका आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं यहाँ बैठा हूँ। और गाइज हर्षित मेहता के बारे में, मैं कहीं और पहुंच गया था, वापस से हर्षित मेहता के सामने आता हूँ। तो गाइज हर्षित मेहता की लाइफ से हमें सीखने को ये मिला है कि हमें बहुत पैशनेट होना चाहिए, हमें अप्स एंड डाउन से डरना नहीं चाहिए। हर्षित मेहता कोई भी चीज़ से डरते नहीं थे, हमेशा एक ही चीज़ कहते थे, रिस्क है तो इश्क है। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में, एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखाई थी। तो गाइज कभी भी हमें डरना नहीं है, सब कुछ करते रहना है, रिस्क लेना है अपनी लाइफ में, लेकिन सही चीज़ों से पैसे कमाने हैं, कल भी कोई गलत चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जो उनके ब्रदर थे वो अभी लॉयर बन चुके हैं और उनका एक बेटा भी है जिनका नाम अतुर मेहता है एंड वो भी किसी चीज़ में अभी लगे हुए हैं, वो भी एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी सुनने में आया है कि वो भी कोई एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज सबके रगो रगो में बिजनेस है यार, रगो रगो में। तो हर्षित मेहता की कहानी यहीं ख़त्म हुई, किस तरह से उन्होंने ग्रो किया, कैसे वो डाउन की तरफ गए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, पता चला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहो और थैंक यू सो मच आप लोगों की कृपा के वजह से, आप लोगों के हेल्प की वजह से, सपोर्ट की वजह से हमारा ये चैनल मोनेटाइज हो गया है फाइनली और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।